राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ पर चांद और पति देव की पूजा कैसे की जाती है, क्रम बाय क्रम क्या चीज़ें करी जाती हैं, कौन सी विधियाँ, कब चलनी से चांद देखा जाता है, कब पूजा करी जाती है, अर्घ कैसे देते हैं, मंत्र क्या बोल सकते हैं, किस उंगली से जो है तिलक करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है व्रत में तो व्रत सफल होना चाहिए, कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। तो सबसे पहले चंद्र देवता की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो एक करवा होता है जिसमें हमने जल भरा होता है, ये करवा हम जो है उठा के ले जाएंगे चंद्र देवता की पूजा के लिए, उन्हें अर्घ प्रदान करने के लिए। अब इस करवे के जल में हम थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाएंगे और सफ़ेद चंदन मिलाएंगे, क्योंकि चंद्र देवता को सभी चीज़ें सफ़ेद ही अर्पित करी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने सफ़ेद फूल भी डाले हैं और अक्षत डाल लेना चाहिए। यहाँ पे करवे में अर्घ देने वाला जल तैयार हो गया है। कुछ और सामग्री जो कि आपको छत में लेके जानी चाहिए, यहाँ पे हमने हल्दी और कुमकुम रखा है, जिससे पति देव का तिलक करेंगे और तिलक में अक्षत भी लगाएंगे, तो वो भी रखेंगे। और फूल सफ़ेद कुछ और आवश्यकता पड़े, धूपबत्ती हमने रखी है, दीपक बना करके रख लीजिएगा, यानी कि दीपक में घी वगैरह जरूर डाल के ही ले जाइएगा छत में, चलनी तो रखनी ही है। और कुछ मिठाइयां हमने रखी हुई है पति देव को खिलाने के लिए और फिर अपना व्रत खोलने के लिए। साथ ही साथ एक लोटा पानी, क्योंकि दो जन जो है पानी पियेंगे तो थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि हम चंद्र देवता को धरती में अर्घ प्रदान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम भगवान को कोई चीज़ अर्पित कर देते हैं वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है, उसका बहुत सम्मान करना चाहिए वरना दोष लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं तो पैरों में छींटे पड़ते ही पड़ते हैं, तो इसलिए चाहे आप बाल्टी में क्यों ना अर्घ दें, लेकिन धरती में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में भी हम वहीं से चल के जाने लगते हैं जहाँ पे हमने अर्घ दिया है, तो ये अपमान हो जाता है। तो इसलिए चाहे आप पीतल का ले लें, स्टील का ले लें, कुछ भी आप बाल्टी वगैरह में ही अर्घ दें, बाद में आप गमले में डाल सकते हैं। ये जो चित्र मैंने चंद्र देवता का बनाया है, अगर इच्छा हो तो बना सकते हैं, या फिर बिना बनाए हुए भी जो है आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चंद्रदेव विराजमान हैं। अब करवा पकड़ने की विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है अर्घ देने की विधि कि उसमें तर्जनी और अंगूठे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो फर्स्ट फिंगर होती है अंगूठे के बाद, तो उसका प्रयोग पितरों की पूजा में किया जाता है। तो जब भी हम अर्घ देते हैं, चाहे सूरज को दें चाहे चंद्रमा को दें, तो अंगूठे और तर्जनी का स्पर्श लोटे पे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो है नीचे से आप उठाते हुए अर्घ प्रदान करें, चंद्रमशे नमः बोलते हुए, या फिर चंद्राय नमः बोलते हुए, या फिर जय चंद्र देवता, सरल भाषा में भी आप अर्घ दे सकते हैं। जो है आप चार बार परिक्रमा करके अर्घ प्रदान कर सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे परिक्रमा करने के लिए भूल ही जाता है, इसलिए जो है आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। मैं अपनी पूजा में भी भूल जाती हूँ, लेकिन परिक्रमा करी जाती है, ठीक है, तीन बार, या फिर हो गया जो नहीं करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा व्रत सफल होता ही होता है, भले ही हम कुछ भूल जाएं तो वो आप कर लेंगे, अंतिम में मैं बताऊंगी। तो परिक्रमा अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमकर करी जाती है। तो चंद्रमशे नमः या फिर जय चंद्र देवता बोलते हुए जो है आप पूरा पूजन करेंगे, सफ़ेद चंदन उन्हें अर्पित करेंगे। देखिए, एक टकी लगा करके आपको चंद्र देवता को बहुत ज़्यादा नहीं निहारना है, ठीक है, वो हम चलनी से ही निहारेंगे, बस यूं ही थोड़ा सा देखते हुए आपको सारा पूजन करना है, अक्षत अर्पित करना है, सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए इस प्रकार से जैसे मैं कर रही हूँ, प्रणाम करते हुए। फिर धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं चंद्र देवता को, और फिर जो है आप थोड़ा सा नैवेद्य अर्पित करें। जो भी मिठाइयाँ आप पति देव को खिलाने के लिए, अपना व्रत खोलने के लिए लाए हैं, वही आप यहाँ पे भोग लगा दें। देखिए होगा क्या कि चंद्र देवता को भी भोग लग जाएगा, और भोग लगाने के बाद वही हम खाएंगे तो हमें प्रसाद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि चंद्र देवता को भोग जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हम प्रसाद खोल के ही व्रत खोल पाएं। और तीन बार जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है, तो भोग अर्पित करके और तीन बार जल जरूर फेर दीजिएगा, आचमन का भाव करके जल अर्पित कीजिएगा। फिर जो है आप दीपक प्रज्वलित करिएगा, और दीपक घुमाते हुए चंद्र देवता को दीप अर्पित करिएगा, और चंद्र देवता को दीप अर्पित करने के बाद वही दीपक चलनी में रख लेना है, और फिर चंद्र देवता के दर्शन कर रहे हैं।
खाली मतलब एकटक आंखों से जो है चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं, इसीलिए चलनी और दीपक रख करके जो है चौथ के दिन दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चंद्र देवता के दर्शन करें, उन्हें मन ही मन प्रणाम करें, फिर वही चलनी चंद्रदेव से घुमाते हुए पतिदेव की तरफ करना है और पतिदेव के दर्शन करने हैं। दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं, पतिदेव को सामने करके कि चलनी में एक साथ ही दोनों दिखें, चंद्रदेव और पतिदेव, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, दो बार कर लीजिएगा और फिर तिलक करिएगा, यानी कि हल्दी और कुमकुम जो है आप ले लीजिएगा। किस उंगली से तिलक करना शुभ होता है, तो अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर जो होती है, तो रिंग फिंगर और अंगूठे का प्रयोग करके जो है आपको तिलक करना चाहिए। ठीक है, ये विजय तिलक होता है, तो अंगूठे को ऊपर खिसकाते हुए जो है आप तिलक करिएगा और फिर अक्षत लीजिएगा उन्हीं दोनों मतलब अंगूठे से और रिंग फिंगर से अक्षत लेकर के अक्षत चिपका दीजिएगा, तो ये तिलक हो गया। और अगर फूल माला ना हो तो कुछ फूल ही जो है आप पतिदेव के हाथों में जरूर दीजिएगा, और अगर फूल माला हो तो जैसे मैं गले में पहना रही हूँ, आप सभी भी जो है फूल माला उन्हें पहना सकते हैं, उनका पूजन ही तो करना है। और इसके बाद उन्हें मिठाइयाँ खिलानी चाहिए, मिठाई खिलाने के बाद पानी भी आप अपने ही हाथों से पिला सकते हैं, और फिर उनके पानी पीने के बाद आप उनके पैर छुए, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से पति की पूजा करने के बाद ही आपको अपने पति से कहना चाहिए कि वो भी आपको मिठाइयाँ खिलाएं और पानी पिला करके आपका व्रत खोलें। जो भी आपने भगवान को मिठाइयाँ भोग लगाई हो, वही भोग की मिठाइयाँ प्रसाद खा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमें करवे से ही जल पीना चाहिए व्रत खोलने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी घर के अंदर ग्लास हो, लोटा हो, उससे भी जल पी करके व्रत खोल सकते हैं। क्या होता है कि अगर हम पीतल के करवे से चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, उसी से अगर जल पी लेंगे वो जूठा हो जाएगा, भगवान की पूजा में जूठे बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर आप मिट्टी के करवे से चंद्र देवता को अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है, मिट्टी का करवा, तो उससे जल पिया जा सकता है। तो ये आपकी इच्छा है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने पर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ पूजा में कहीं हम भूल जाते हैं, कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं, तो उनकी भरपाई प्रतिपूर्ति के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे व्रत सफल हो, क्योंकि ये उपाय हर बड़े बड़े यज्ञ पूजा अनुष्ठानों में किया जाता है। जैसे कि पंडितों के घर से ही हूँ तो जानती हूँ, तो आपको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी बड़ी पूजाओं में पूजा होने के बाद पंडित लोग जो है या तो नाम संकीर्तन करते हैं या फिर माला से नाम जप करते हैं। तो इसी तरह से जो है आपको भी अपने व्रत की सफलता के लिए नाम जप करना चाहिए, या तो आप झाड़ू पोछा बर्तन करते समय कोई भी काम करते हुए नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं। और अगर ऐसा है कि काम करते समय जो है हमें याद नहीं रहा नाम जप करने के लिए, तो आप एक आसन पर बैठ करके 10 मिनट का टाइम देख लीजिएगा, 10 मिनट बैठ के नाम जप कर लेंगे तो आपका व्रत सफल होगा, छोटी छोटी गलतियों की माफ़ी मिल जाती है, प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो ये उपाय करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे व्रत की गलतियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, एक एक नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कई कई जन्मों के पाप कर्म तक भस्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं ना केवल व्रत में बल्कि हर दिन नाम जप करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि कलयुग में वरदान है, केवल नाम जप से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है, और जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं उस भाव की पूर्ति होती है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। तो हर रोज़ नाम जप करना चाहिए। नाम जप की क्या विधियाँ हैं इसके लिए मैंने कई वीडियो भक्ति से संबंधित दिए हुए हैं, तो और करवा चौथ से संबंधित भी कई वीडियो हैं, तो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। राधे राधे।